नगर के सभी थानों से एवं देवरिया के गोरखपुर जिले में विदेश भेजने के नाम पर धनुकाही की जा रही है। थाने पर 150 लड़कों ने थाने का घेराव कर अपनी वीजा के लिए जो पैसा दिया उसके लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिसमें उपस्थित 200 की संख्या में लोगों ने प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा। पेपर में विज्ञापन देखकर लड़कों ने आवेदन और मेडिकल भी कराया। उसके बाद लड़कों ने 3 माह के अंदर वीजा और पासपोर्ट के लिए दौड़ना चालू किया, तो वीजा एजेंट इधर उधर भागने लगा और पैसा मांगने पर काली गलौज चालू कर दिया, जो कि 2-3 दिनों से फरार चल रहा है। कृष्णनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की रिपोर्ट। पैसा नहीं मिला लेकिन हम लोग का जो अपना पासपोर्ट है वो मिल जाए। हमारे भी पासपोर्ट जमा है, कहाँ कराने वाले हैं के, और 50,000 रुपये हम लोग भरे हैं, फरार हो गए। दुबई के लिए वीजा दिया था, वो कहाँ गया पैसा लेके? पैसा लेके वो भाग गया है, वो बता रहा था कि हम कानपुर के हैं। अरे कहाँ भाग गया? नहीं तो आप लोग पैसा किस लिया था? आपको दिया था वो 13 तारीख में हम लोग को टिकट भी दिया था, टिकट फॉल्स बता रहा है। हम लोग वीजा भी चेक किए तो वीजा सही था, लेकिन आज के डेट में हम लोग का टिकट भी था फ्लाइट का। फिर कल से बात हुआ तो बोला है बैंक में अभी आएंगे। तो बताइए सर। श्रीलाल साहब सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से आए हैं, पकड़ी बाजार मेरा गांव है। क्या काम है आपका? मैं इंसुलेटर में दिया था, इंसुलेटर 4 इंच में, अपना बायोडाटा और पासपोर्ट, जिसमें मैं 55,000 रुपया नगद दिया हूँ और 2,500 का मेडिकल किया। किसको दिए? एजेंट को। कहाँ से रहने वाला? वो कानपुर का रहने वाला था, ये बताया। उसके बाद हम लोग को जो कॉपी दिया है अपना आधार कार्ड, कुछ महाराष्ट्र का दिया है और कुछ लखनऊ का दिया है। तो बिना कार्ड पहचान के कैसे दे दिया? वो उसमें जो मकान मालिक है गुप्ता, वो बोला कि भाई आप लोग जमा कीजिए पैसा पासपोर्ट, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये भागने वाला आदमी नहीं है। मकान मालिक का क्या नाम है? मिट्ठू गुप्ता कुशवाहा। नहीं, कुशवाहा नहीं है, मिट्ठू गुप्ता है। और कोई है? और कौन? आप दिए हैं? मैं चंद्रशेखर बोला हूँ। अरे तो कहाँ के रहने वाले? मठिया का। कितना पैसा दिए? 55,000। क्यों दिए हैं? मैं विदेश जाने के लिए। क्या हुआ? भाग गया। उसको जानते हैं? नहीं जानता हूँ। तो कैसे पैसा दे दिए बिना जाने हुए? तू बोलता मैं मसूल है। मसूल? हाँ, आधार कार्ड भी दिया, सब दिया, आपको बता रहा है। गोमती नगर का है। गोमती नगर तो लखनऊ? हाँ, लखनऊ बता रहे। और कोई है? और दो आदमी तो सभ्या का है, रामकोला का लेडीज है, लड़की है। तो उसके विषय में आप जानते हैं? वो अपना पूरा एड्रेस दी थी कि हमारा घर यहाँ है और मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, सब आप कोटा भी चलाता है। शंभु सिंह। अपना नाम बताइए। उसको कैसे जानते हैं विदेश भेजने वाला था? मैं आया तो बोला मैं विदेश भेज सकता हूँ। मैं बोला भाई गारंटी के साथ बोले। हाँ, बोले थी। कैसे आपका ये मामला है? जैसे वो दैनिक जागरण में डाला था कि हमारे इस कंपनी का इतना आया वैकेंसी, तो हम पकड़े ना पड़े करके, हम पासपोर्ट लगाए, बोला वीजा इतना दिन में आएगा, वीजा बाद में दिया, वीजा दिया, उसके बाद से हम लोग पैसा जमा किए। कितना दिन हो गया? मुश्किल 3 महीना हो गया, पैसा तो जमा किए 10 दिन में। तो बिना जान पहचान के कैसे पैसा दे दिया? वो बोला कि हमारा पूरा काम ओके है, सब कुछ हो रहा है, इसका लोकल जो आदमी थे उन लोग से हम लोग पूछे तो लोग बोला कि पूरा काम सही हो रहा है, कोई भागने वाला नहीं। मेरे पैसा देने से पहले उनसे पूछा तो बोला कोई डाउट नहीं है, सही है, हमारा जिम्मा है। तो वीजा कितने दिन में बोला था देने वीजा दिया? बोला था 1 महीना बाद में, वो बोला कि सब दुबई के बोला था, दुबई के बाद सब बेतनाम कर दिया है।
वियतनाम के बाद बोला एक महीने में वीजा दूंगा, वीजा एक महीने के बाद वो दिया वीजा, वीजा दिया उसके बाद से बोला पैसा जमा कीजिए आप लोग, एग्रीमेंट साइन किया उसके बाद से बोला वीजा आएगा 10 दिन में, वीजा आया बाद में बोला पैसा जमा कीजिए टिकट आने वाला है, हम लोग पैसा जमा किए उसके बाद से 2 दिन के बाद टिकट दिया उसके बाद वो फरार हो गया, बोला इतने तारीख को फ्लाइट है आप लोग का, 12 को आप निकलिए दिल्ली, 14 को आप लोग का फ्लाइट है, वहाँ पर होटल पे आपको पासपोर्ट होटल नंबर आपको मैं दूंगा व्हाट्सअप से, वहाँ पासपोर्ट टिकट सब मिलेगा आपको 14 तारीख को फ्लाइट, हम लोग 12 तारीख को वेट किए होटल का नंबर के बाद में हम लोग नई होटल का नंबर मिला तो फिर हम लोग आए पिछले तो उसका नंबर भी नॉट रीचेबल बता रहा था, बाद में हम लोग कॉल किए तो नॉट रीचेबल बताया, बाद में हम लोग वापस आए तो ताला बंद था, उसका लोकल भी एक लड़की थी और एक जेंट्स था, दोनों लोकल भी था, कैसे है कहीं सब यहाँ का था, आप कहाँ के रहने वाले? हम बजडीला ग्राम कोला, बजडीला ग्राम बजडीला रामकोला के रहने वाले, हम कोई दिए पैसा? हाँ सब कोई दिया, कितना लोग दिए? मुमकिन 160 आदमी है, हाटा और उसका हाटा में भी ऑफिस है यहाँ पर, कुल मिल के कितना पैसा हुआ? मुमकिन 1.5 करोड़ रुपया हुआ है, 1.5 करोड़। हाँ पुलिस में कब से आप? पुलिस हम लोग कल से ही, पुलिस 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर आया बोला थाना पे जाओ, थाना पे हम लोग आए, थाना से बाद में उन लोग चौकी पे भेजा, चौकी पे गए फिर से उन लोग बोला कि जया चौकी वाले बोला फिर से 10 बजे आओ सुबह, हम लोग 10 बजे आए, 11 बजे वेट किए, बाद में चौकी वाले गए वहाँ पर ताला खुलवाए, बाद में उसमें कोई भी पुलिस नहीं गया अंदर, सब गए जांच किए, दूसरे आदमी बाद में आया उन लोग बोला, उन लोग बोला कंप्यूटर है इसमें तो वो नहीं जब्त नहीं किया पुलिस वाले, बोला मकान मालिक को रख लीजिए 10 दिन के बाद अगर वो आएगा ठीक है नहीं आएगा तो आप भेज दीजिए, ऐसा नहीं चलता प्रशासन का, उसको कंप्यूटर है उसको जब्त करना मांगता है। कितने बार पुलिस को दिए हैं? हम लोग कल से ही पुलिस के पास दौड़ रहे हैं, फिर से सुबह हम लोग पुलिस वाले कल से दिए हैं, क्या बोले हैं? फिर हम सुबह उसके विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी से पास गए तो विधायक जी बात की एसओ साहब से, पास एसओ साहब के पास हम लोग आए, एसओ साहब हम लोग को भेजे थाना पे चौकी पर, चौकी पर से फिर हम लोग गए वहाँ पे तो उसका लाख खोला गया, लाख खोला गया उसमें पुलिस वाले कोई भी नहीं आदमी गया था, कंप्यूटर लेने के बाद उन लोग बोला कि यार कंप्यूटर भी नहीं जब किया उन लोग ने, ताला वहाँ पे लॉक किया उसका, बोला मकान मालिक को कह रहा है कि कंप्यूटर 10 दिन के बाद आता है नहीं आएगा तो आप कंप्यूटर भेज दीजिए, पुलिस के खिलाफ ही कुछ दिए हैं? पुलिस के खिलाफ तो हम नहीं कुछ बोले, पुलिस के खिलाफ यही है को कंप्यूटर जब भी नहीं किया, एप्लीकेशन रखे हैं इसके पहले वाला एप्लीकेशन बाहर हमारे पास तो नहीं है, इसके पास सब दिखलाइए, सब लोग का बयान लीजिए, पारापारी सब लोग का बयान लीजिए, अरे कोई दे उसके पास वो फरार हो गया, बोला इतने तारीख को फ्लाइट है आप लोग का, 12 को आप निकलिए दिल्ली, 14 को आप लोग का फ्लाइट है, वहाँ पर होटल पे आपको पासपोर्ट होटल नंबर आपको मैं दूंगा व्हाट्सअप से, वहाँ पासपोर्ट टिकट सब मिलेगा आपको 14 तारीख को फ्लाइट, हम लोग 12 तारीख को वेट किए होटल का नंबर के बाद में हम लोग नई होटल का नंबर मिला तो फिर हम लोग आए पिछले तो उसका नंबर भी नॉट रीचेबल बता रहा था, बाद में हम लोग कॉल किए तो नॉट रीचेबल बताया, बाद में हम लोग वापस आए तो ताला बंद था, उसका लोकल भी एक लड़की थी और एक जेंट्स था, दोनों लोकल भी था, कैसे है कहीं सब यहाँ का था, आप कहाँ के रहने वाले? हम बजडीला ग्राम कोला, बजडीला ग्राम बजडीला रामकोला के रहने वाले, हम कोई दिए पैसा? हाँ सब कोई दिया, कितना लोग दिए? मुमकिन 160 आदमी है, हाटा और उसका हाटा में भी ऑफिस है यहाँ पर, कुल मिल के कितना पैसा हुआ? मुमकिन 1.5 करोड़ रुपया हुआ है, 1.5 करोड़। हाँ पुलिस में कब से आप? पुलिस हम लोग कल से ही, पुलिस 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर आया बोला थाना पे जाओ, थाना पे हम लोग आए, थाना से बाद में उन लोग चौकी पे भेजा, चौकी पे गए फिर से उन लोग बोला कि जया चौकी वाले बोला फिर से 10 बजे आओ सुबह, हम लोग 10 बजे आए, 11 बजे वेट किए, बाद में चौकी वाले गए वहाँ पर ताला खुलवाए, बाद में उसमें कोई भी पुलिस नहीं गया अंदर, सब गए जांच किए, दूसरे आदमी बाद में आया उन लोग बोला, उन लोग बोला कंप्यूटर है इसमें तो वो नहीं जब्त नहीं किया पुलिस वाले, बोला मकान मालिक को रख लीजिए 10 दिन के बाद अगर वो आएगा ठीक है नहीं आएगा तो आप भेज दीजिए, ऐसा नहीं चलता प्रशासन का, उसको कंप्यूटर है उसको जब्त करना मांगता है। कितने बार पुलिस को दिए हैं? हम लोग कल से ही पुलिस के पास दौड़ रहे हैं, हाँ फिर से सुबह हम लोग पुलिस वाले कल से दिए हैं, क्या बोले हैं? फिर हम सुबह उसके विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी से पास गए तो विधायक जी बात की एसओ साहब से, पास एसओ साहब के पास हम लोग आए, एसओ साहब हम लोग को भेजे थाना चौकी पर, चौकी पर से फिर हम लोग गए वहाँ पे उसका लाख खोला गया, लाख खोला गया उसमें पुलिस वाले कोई भी नहीं आदमी गया था, कंप्यूटर लेने के बाद उन लोग बोला कि यार कंप्यूटर भी नहीं जब्त किया उन लोग ने, ताला वहाँ पे लॉक किया उसका, बोला मकान मालिक को कह रहा था कि कंप्यूटर 10 दिन के बाद आता है नहीं आएगा तो आप कंप्यूटर भेज दीजिए, पुलिस के खिलाफ ही कुछ दिए हैं? पुलिस के खिलाफ तो हम नहीं कुछ बोले, पुलिस के खिलाफ यही है को कंप्यूटर जब भी नहीं किया, एप्लीकेशन रखे हैं इसके पहले वाला एप्लीकेशन बाहर हमारे पास तो नहीं है, इसके पास
सब दिखलाइए। उसी का सब लोग का बयान लीजिए, पारा पारी सब लोग का बयान लीजिए। अरे कोई देने वाला नहीं, बयान दो यार, आप भी बयान दीजिए, इनका भी अपना साहब भी बयान दीजिए। हजारीबाग जिले का बड़का गांव प्रखंड कार्यालय में बन रहे आधार कार्ड का कार्य बिल्कुल शिथिल पड़ा है, जिससे आधार कार्ड धारियों को हो रहा है दिक्कत। महीनों से मशीन बार बार खराब बताया जा रहा है। बड़का गांव मुख्यालय बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है, जिसके लोग बड़ी उम्मीदें लेकर हर्षित पूर्वक आधार कार्ड बनवाने आते हैं, पर निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता है। मशीन खराब होने की जानकारी जिला योजना डीपीओ यूआईटी उच्च अधिकारी जिला में लिखित रूप से दे दिया गया है। हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की रिपोर्ट। मौजूद है बड़का गांव ब्लॉक में, यहाँ बात करते हैं ये आधार कार्ड बनाने के संबंध में। हाँ, तो आप अपना पहले पूरा परिचय और पद बतलाइए। मेरा नाम प्रकाश कुमार, ई ब्लॉक मैनेजर बड़का गांव। तो कृपया आप ये बताए कि लोगों को इतना भीड़ देख रहा हूँ मैं, और लोग आ रहे हैं लौट रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? क्योंकि आधार का कोई स्पेशली जिला से कोई ऑपरेटर नहीं मिला, यहाँ ब्लॉक का ही स्टाफ ऑपरेटर है, जिसमें दोनों तरफ काम देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट का जो लेटर आया हुआ वो 2 घंटा सिर्फ काम करना है। अब 2 घंटा में मैक्सिमम 10 से या 15 आधार कार्ड बनती है, और यहाँ पे काफी संख्या में आधार जिनका नहीं बना हुआ है वो भीड़ लगाते हैं और डेली घूम करके जाते हैं। तो गवर्नमेंट से यही मेरे रिक्वेस्ट है कि एक दो जगह और आधार कार्ड का मशीन दिया जाए और वहाँ पे ऑपरेटर दिया जाए, ताकि आम लोगों की सुविधा मिले और ब्लॉक में भीड़ कम हुए, और अपना जो भी समस्याएं आधार लेकर के बैंक वगैरह में या पेंशन वगैरह में वो निवारण हो सके। आपका कहना है कि ये मशीन बढ़ाया जाए और स्टाफ भी बढ़ाया जाए, तब सुविधा होगा बनने में, लोगों को भीड़ कम होगी। हाँ, मशीन बढ़ाया जाए, स्टाफ है, स्टाफ भी बढ़ाया जाए, क्योंकि मशीन के साथ स्टाफ भी चाहिए, उसके बाद ही कुछ निवारण होता है। तो ये प्रॉब्लम के संबंध में आपने कहाँ कहाँ किनके पास सूचना दिया ताकि इसको सुधारा जाए? ये अभी करीब 4-5 दिन से मशीन यहाँ पे खराब ही, मैं टेलीफोनिक या व्हाट्सएप या लिखित में जिला योजना पदाधिकारी डीपीओ यूआईडी को दिया, और इसका प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, जिसके कारण से ग्रामीणों लोगों को डेली यहां से घूमना पड़ जा रहा है कि आधार नहीं बन रहा, मशीन खराब है। इसके कारण से एक अगर मशीन एक बनता है फिर ऑफ हो जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जिला से कोई इन्फॉर्मेशन, जिला वाले बोलते कि नहीं स्टेट में बात कर रहे हैं, बात करके कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, इसका क्या सलूशन अभी तक हम लोग को नहीं मिली है। झारखंड राज्य में धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन डीसीए ने क्रिकेट के खेल में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु इंटर स्कूल एवं क्लब स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका शुरुआत धनबाद रेलवे स्टेडियम में हुआ। डीसीए के विनय सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा यह टूर्नामेंट, जिसमें 6 स्कूल एवं 6 क्लब की टीम हिस्सा ले रही है। 23 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा, विजेता टीम को विनर ट्रॉफी दी जाएगी, जिसमें ऐश्वर्या स्पोर्टिंग क्लब, झारखंड पब्लिक स्कूल, जलगोरा क्रिकेट अकेडमी, ICCS और नेताजी वॉरियर भाग ले रहे हैं। हजारीबाग से हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बीती रात कंप्यूटर संचालक 25 वर्षीय अतुल शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों व ग्रामीणों ने चिरमिला पट्टी मार्ग दीवानगंज चौराहे पर जाम लगा दी। लगभग 20 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने अगर पुराने विवाद को गंभीरता से लिया होता तो आज अतुल शुक्ला की मौत न हुई होती, इतना बड़ा बवाल न होता। पंजाब भाजपा के नेता ब्रजेश सौरभ व विहिप संगठन व ब्राह्मण संगठन भी न्याय के लिए धरने पर बैठे। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की रिपोर्ट।
पंजाब में दी क्लास फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन और ठेका आधारित मुलाजिम ब्रांच जिला फिरोजपुर के सूबा कमेटी के फैसले मुताबिक नग्न अवस्था में होकर जिला प्रधान राम प्रसाद की अगुवाई में खजाना ऑफिस के आगे रोष प्रदर्शन किया, जिसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारियों और ठेका मुलाजिमों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और कई मांगों का निपटारा अगर न किया गया तो जत्थेबंदी अपना संघर्ष और तेजी से करेंगे। पंजाब से हमारे संवाददाता दलजीत सिंह की रिपोर्ट। क्लास फोर यूनियन जिले की, मैं राम प्रसाद जिला प्रधान क्लास फोर यूनियन, और सानू उत्तो कॉल हुई है कि नंगे पिंडे खजाना दफ्तर के बाहर पिट स्यापा करना है। जिमें तुहानू पता है कि कड़ाके की ठंड पै रही है, पर सानू मजबूर होकर नंगे पिंडे ठंड में आ पिट स्यापा का खजाना मंत्री का करना पै रहा है। सरकार का पिट स्यापा असं कर रहे हैं इतने, तो मजबूर होकर सारे मुलाजम क्लास फोर यूनियन जत्थेबंदी सारी इतने इकट्ठी है, तो सरकार तो असं मंग करते हैं कि साड़ी डीए की किस्तां पे कमीशन बकाया ये सारिया जिनिया डिमांडा ने कच्चे मुलाजम पक्के करना, ये सारिया डिमांडा सारिया जल्दी तो जल्दी पूरिया करन, नहीं तो इन्हों का नतीजा बहुत माड़ा निकलेगा।